सामाजिक जागृति में प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसको बड़े विनम्रता के साथ लोगों को अपील किया है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी है। दिल्ली की राजपथ को अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने उस राजपथ के नाम को बदल के कर्तव्य पथ किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा आज उस राजपथ की शोभा बढ़ा रही है। मित्रों, आज डिजिटल इनिशिएटिव्स के कारण विश्व में जो नया लीडरशिप इमर्ज कर रहा है, भारत धीरे धीरे एक उत्पादनकारी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है डिजिटल कैपेसिटी के कारण। को विन ऐप उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया में यह व्यवस्था कहीं नहीं है। टीका लगाओ और सेकेंड्स के अंदर आपके मोबाइल फोन पे डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाए, जिसको आप प्रिंट आउट करके आपकी देश दुनिया में जाने आने में, देश के अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे लेकर आज देश में भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया की लीडर बना हुआ है। आज अगर 100 रुपया डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है दुनिया में, तो 40 रुपया केवल भारत में ही होती है। दिसंबर महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन की नई ऊंचाई हम सबको अनुभव दिया है। यह केवल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, भारत की लोगों की टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी सामान्य लोगों, जब प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले ये कहा था हम डिजिटल इंडिया की इनिशिएटिव लेंगे, तब लोगों ने उनको, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, ना समझ के जैसे उनके अभ्यास रहता है गाली दे देना, उन्होंने टिक्का किया था, परिहास किया था। वो आज उसका आनंद ले रहे हैं। मित्रों, मैं खुद के अनुभव बताऊं तो 1 जनवरी को मैं खुद ही कहीं ट्रैफिक में फंस के जब गाड़ी से उतर के ऑटो में गया, मेरे चिंता पहली आई ऑटो में तो बैठ गया कैसे मैं उसको उसकी भाड़ा दूं। मेरे पीएसओ को पूछा आपके पास भाड़ा है क्या, बोला मेरे पास भी कैश नहीं है। फिर हमने उनको पूछो, हमारी दुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई चिंता मत करिए, वो पूछा हमको आपके पास फोन पे पेमेंट करने की व्यवस्था है कि नहीं है। मेरे पास तो नहीं था, मेरे पीएसओ के पास था। हमने 100 रुपया की पेमेंट 1 जनवरी को पे करके मैं सुखद अनुभव लिया। ये भारत की नई डिजिटल कैपेसिटी की सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। भारत में कहीं भी जाइए, वो रेडी पटरी वाला से लेके हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन की पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। आने वाले दिनों में विश्व की अर्थनीति भारत की इस मॉडल को अडॉप्ट करने वाला है। मित्रों, आज सुखद संयोग है, वैश्विक नेतृत्व भारत ले रहा है। आज एक अलग से प्रस्ताव पारित हो रहा है, लेकिन आज एक ही लाइन में कहूं, आज इस प्रस्ताव ने, अर्थनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव ने G20 की सफल प्रेसिडेंसी के लिए, जिसकी काम अभी शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहना किया है, उनको प्रशंसा किया है। मित्रों, अगर एक विषय पे आज की हमारी अर्थनीति और सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव में कहूं, भारत एक समय में एक कुंठित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज भारत में कोई नीति बनती थी तो चंद लोगों के लिए नीति बनती थी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए व्यग्रता, उसके लिए सारे बाकी चीज होता था। आज प्रधानमंत्री की इस नीतियों के कारण आज एक सैचुरेशन की अर्थव्यवस्था, यानी सबके लिए करना होगा, स्कीम चंद लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। गांव में जितने लोग हैं, जितने गरीब हैं, जितने मध्यवर्गीय, सभी के लिए। आज एक पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तृप्ति की जिम्मेवारी को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कार्य समिति जो प्रस्ताव को पारित किया प्रधानमंत्री जी की सफल नीति के कारण, कुछ विषय आपके सामने मैंने उल्लेख किया। मोदी सरकार के अंतर्गत गरीबों के अधिकार से सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की कदम
ये प्रस्ताव मैं आपके सामने उपस्थापित किया।